हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको छत्तीसगढ़ में फिर से एक नई भर्ती होने वाली है, उसकी जानकारी देने वाले हैं। ये दोस्तों आपका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिसमें ज़िला बलरामपुर में ये भर्ती किया जाना है। और ये भर्ती है दोस्तों आपका संविदा पदों के लिए भर्ती है, जिसके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें दोस्तों बहुत से पदों में भर्ती किया जाना है, जैसे हम चलिए आपको बता देते हैं। और दोस्तों, इसमें आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, पूरा डिटेल जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए दोस्तों, अब कौन कौन से पद हैं, रिक्त पद वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो देख सकते हैं, यहाँ पर आयुष चिकित्सा अधिकारी, और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग, इसकी भी पद है। और यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट, टेक्निकल असिस्टेंट, और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पर सचिविक सहायक, कनिष्ठ सचिविक सहायक, और सपोर्ट स्टाफ, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 11 पदों में भर्ती किया जाना है, जिसमें रिक्त पदों की भी यहाँ पर संख्या दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आयुष चिकित्सा अधिकारी के टोटल 3 पद हैं, और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट हेयरिंग के लिए 1 पद है, प्रोग्राम एसोसिएट के लिए भी 1 है, टेक्निकल असिस्टेंट एडियोमेट्रिक के लिए भी 1 पद है, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पद हैं, 1 पद है काउंसलर के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 1 पद है, 2 पद हैं सचिविक सहायक के लिए, कनिष्ठ सचिविक सहायक के लिए 5 पद हैं, और 8 पद हैं आपके सपोर्ट स्टाफ के लिए। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की दोस्तों टोटल 4 पद हैं। तो दोस्तों, इन सभी पदों में ये भर्ती किया जाना है। तो दोस्तों, इसमें आपकी योग्यता एवं आयु सीमा क्या होनी चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास आप देख सकते हैं, इसमें आयुष चिकित्सा अधिकारी की दोस्तों यहाँ के वेतन की बात करें तो दोस्तों 25,000 तक रहेगा इसमें वेतन। और इसमें योग्यता की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, BHMS, BAMS, BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन, GOI रिकॉग्नाइज्ड, ये है दोस्तों आपकी न्यूनतम योग्यता आपके आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए। और यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 30,000 तक सैलरी रहने वाला है आपका। और इसमें दोस्तों आपकी योग्यता है MSc नर्सिंग प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, इसमें थर्ड पोस्ट है, देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इंस्पेयर्ड, इसके लिए दोस्तों आपका 15,000 तक वेतन रहने वाला है। और इसमें दोस्तों आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डिफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड फ्रॉम RCA ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट एडियोमेट्रिक के लिए 15,000 तक इसमें भी सैलरी रहने वाली है। इसमें योग्यता की बात करें तो दोस्तों, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइज्ड बाई RCI, ये है आपकी योग्यता। उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, जिसमें 14,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली, इसमें योग्यता दोस्तों आपका BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल में रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर BMLT होना चाहिए आपका, फिर आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर और में दिया गया, देख सकते हैं, DMLT भी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर काउंसलर के लिए वेतन की बात करें तो 12,000 रहने वाली, इसमें योग्यता आपका PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस इसमें होना चाहिए, फिर आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 31,500 तक रहने वाली है। और इसमें MPhil काउंसिल साइकोलॉजी, ये रहेगा आपकी योग्यता, जिसमें इफ़ नॉट अवेलेबल देन MSc साइकोलॉजी MSc, इसमें बहुत सारे दिया गया है, देख सकते हैं, 2 ईयर के इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, चलिए आगे पद की देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सचिविक सहायक के लिए दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 3,650 तक रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपकी योग्यता ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ पर कनिष्ठ सचिविक सहायक के लिए 12,000 तक सैलरी रहने वाली, इसमें योग्यता 12th पास विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, आपका 12th पास भी होना चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल DCA, PG DCA वगैरह।
और इसी प्रकार यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ है, इसके लिए दोस्तों 10,000 तक सैलरी नहीं, ओनली 8th पास मांगा गया है। इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है, ओनली 8th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10,000, इसमें भी सैलरी रहने, इसमें योग्यता दोस्तों आपका 10वीं पास मांगा गया है और अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए और इसमें आयु सीमा दोस्तों 21 से 40 वर्ष तक होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आयु सीमा में कुछ छूट भी दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें आपकी न्यूनतम हाइट ऊंचाई आपका 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य रखा गया है और इसमें और कुछ कुछ दिया गया, जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ आप ध्यान देंगे फिर आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसका मुख्य वेबसाइट है, देख सकते हैं www.balarampur.gov.in में ये विज्ञापन दिया गया है, जिससे आप आवेदन का प्रारूप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी PDF में आपको आवेदन का प्रारूप भी मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये फॉर्म भर लीजिएगा। और इसमें दोस्तों आपका आवेदन यहाँ पर देख सकते हैं, स्वप्रमाणित दस्तावेज के साथ कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक, दिनांक 22/7/2021 तक, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको ये आवेदन करना है। ये भी आप ध्यान देंगे, जिसमें आपको मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें अटैच करना है। चलिए हम आगे और बताते हैं आपको जैसे क्या क्या होना चाहिए, आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। और इसमें सबसे पहले तो आयु सीमा देख लेते हैं। यहाँ पर आवेदक की आयु देख सकते हैं, 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतर 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 21 से 40 वर्ष हैं, ये हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के हिसाब से किया जाएगा। और यहाँ पर चलिए चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया जैसे इन 8 पद के लिए देख सकते हैं, इसमें चयन प्रक्रिया आपका किस प्रकार से होगी, अंकों का निर्धारण भी दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक अंक का 85% आपका शैक्षणिक योग्यता का लिया जाएगा और अनुभव का आपका 10 से 15 नंबर लिया जाएगा और अधिकतम अन्य विद्यार्थियों को यहाँ पर 10 अंक दिया जाएगा, जिसमें आपको आवेदन देख सकते हैं इसी एड्रेस में 22/7/2021 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तक आप कर सकते हैं। यह है आपकी आवेदन की अंतिम तिथि, यहाँ पर ऊपर हेडिंग में दिया गया है, देख सकते हैं आप ध्यान में रखते हुए आवेदन कर लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर सचिविक सहायक के लिए और कनिष्ठ सहायक के लिए यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं अंकों का निर्धारण, इसमें योग्यता का आपका 65% दिया जाएगा और अनुभव का 10 से 15 अंक दिया जाएगा और कौशल परीक्षा आपका 20 अंक का होगा, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आवेदन आप 22/7/2021 तक आपको करना है। तो ये थी दोस्तों इस पोस्ट की पूरी जानकारी। तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोस भर्ती के से रिलेटेड हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और इसी में दोस्तों चलिए हम आपको ये है आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं, इसी आवेदन के प्रारूप को आपको भरना है और आपको आवेदन कर लेना है। इस PDF का लिंक दोस्तों आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय क्षेत्रीय।